Alright, so welcome to everybody. Look at me face, super surfara, cha 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 chara. This is my new vlog, baby. So guys, आज का हमारा vlog होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, इस वीडियो में आप लोग जरूर देखना ताकि आपको भी पता चल सके मैं कर क्या रहा हूँ. Dudes, तो अब मैं यहाँ से फ्रेश होके निकलूँगा और फ्रेश होके मैं जाऊँगा भालकी. भालकी आता है कर्नाटक में, कर्नाटक आता है यहाँ से हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर. तो वहाँ पर मैं अपने दोस्त का पंचर अटेंड करूँगा. पंचर अटेंड करके वहाँ पर मैं अपनी शूट करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर बहुत बार जा चुका हूँ. जहाँ पर मैं जा चुका हूँ वहाँ पर लोकेशन ऑलरेडी मैं देख रखा हूँ. तो वहाँ पर मैं परमिशन लूँगा, परमिशन लेके अपनी वीडियो शूट करूँगा और वहाँ पर थोड़ा बहुत देखता हूँ. जितना हो सके उतना बकबक नहीं करना चाहता हूँ, मैं बकबक नहीं करूँगा इस वीडियो में. अपनी डायरेक्ट से शूट करूँगा, क्योंकि ये शूट सबसे हटके है, थोड़ी इमोशनल भी होने वाली है. तो मैं इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ इस शूट के बारे में और इस वीडियो में कुछ नहीं कहूँगा. मतलब कि ब्लॉग में मैं कुछ नहीं बनाऊँगा, मतलब ब्लॉग में कुछ नहीं कहूँगा मैं. तो देखता हूँ कैसी होती है शूट, कैसी नहीं हो सकती है. रूट्स Most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the found. बचपन का दूसरा घर. हाँ, वो दूसरा घर, वो क्लास रूम का सफर. रोज जहाँ खुशियाँ मिलती थी, ना रोती थी आंखें, हमेशा मुस्कुराहटें खिलती थी. वो स्कूल के दिन, वो स्कूल का क्लासरूम जहां हर किसी के बहुत करीब थे हम. वो टीचर्स जो हम सबको पढ़ाते थे और हम सब स्टूडेंट्स जो पढ़ना ही नहीं चाहते थे. बड़े सुहाने थे वो दिन जब एक दिन ना निकलता था दोस्तों के बिन. वो रिसेस का टाइम और लंच टाइम से पहले डिब्बे का खाली हो जाना और एक ही दोस्त का लंच बॉक्स पूरी क्लास की थाली हो जाना. वो जब Is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you ever seen before, and I'll stay eternal. कैंटीन के लिए कलेक्शन करते थे वो हम ही थे जो राजा, चोर, सिपाही जैसे इलेक्शन करते थे. वो क्लासरूम बड़ा अजीब सा था, हर शख्स दिल के करीब सा था. कोई म्यूजिशियन, कोई कॉमेडी का स्टार, कोई एक्टर, तो कोई डॉक्टर बनने को तैयार. वो लड़कियां जिनसे कमसम ही बनती थी, वो क्रश जिसे दिल की बात पता थी. वो मॉनिटर क्लास का जब था अपना यार, शोर तभी बंद होता था जब टीचर्स दिखते थे क्लास के बाहर.
कभी कभी तो मॉनिटर कोई खड़ूस सा भी होता था, मगर शोर हमारी क्लास में फिर भी बहुत होता था। वो मंडे, वो टेस्ट की बारी, उसी टेस्ट की टेंशन में खोई क्लास सारी। कभी कभी तो टीचर्स भी भूल जाते थे, कभी कभी तो टीचर्स ही भूल जाते थे, मगर वो फर्स्ट बेंचर साले याद दिलवा देते थे। क्लास टेस्ट में अगर नहीं हुई चीटिंग, फिर होती थी आफ्टर टेस्ट मीटिंग। हमने तो पढ़ा था कहके कर फर्स्ट बेंचर्स को पजल देंगे, एक काम करेंगे, सुबह जल्दी आएंगे और टेस्ट कॉपी बदल देंगे। वो मॉर्निंग प्रेयर्स में ना जाना, पकड़े जाने पर बीमारी का बहाना, वो क्लास की गर्ल्स को परेशान कर देना और फिर उनका हमारे टीचर्स के पास नाम कर देना। वो डांट टीचर्स की, कभी कभी तो मार भी पड़ी थी, पर अगले दिन खुद वो लड़कियां मजाक करने को खड़ी थी। वो पीटी का पीरियड और ढेर सारी मस्ती, कोई खेलता अंतराक्षरी तो कोई बनाता था पर्ची। इसी मौज के साथ मैट्रिक पास भी हो गई, स्ट्रीम चेंज हुई और वो क्लास सीख हो गई। पर अब भी कहां मौज के कम बहाने थे। कुछ नए दोस्त आए तो कुछ वही पुराने थे। 12th क्लास में जब हुए, एंजॉयमेंट का वर्जन अपडेट हो गया, स्कूल लाइफ का हर अंतिम पल ग्रेट सा हो गया। कब छूटेंगे इस बंधन से, कमबख्त ख्वाब सताते थे, आफ्टर स्कूल तो मजे ही मजे हैं, सब क्लासमेट्स बताते थे। बहुत मौज की और दिन फेयरवेल का आया, हम हंस रहे थे, कुछ एक ही था जिन्हें बेवजह रोना आया।